बृहस्पतिवार के दिन सूरतगढ़ में एसीबी द्वारा बिजली महकमे के अधिकारियों और कर्मचारियों के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की। इस कार्रवाई में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एसीबी अधिकारियों के मुताबिक विभाग के सहायक अभियंता से लेकर बाबू और लाइनमैन तक मीटर और खातों में गड़बड़ी करते हुए विभाग को लाखों रुपए का चूना लगा रहे थे। एसीबी की जांच में खुलासा हुआ है कि अकेले विभाग के ग्रामीण सहायक अभियंता चंद्रशेखर ओझा ने 2 लाख रुपए से ज्यादा की बिजली चोरी कर विभाग को चूना लगाया। ओझा के निवास पर मीटर की जांच में एसीबी को करीब 51,000 यूनिट की रीडिंग मिली। वहीं जब एसीबी ने ओझा के खातों की जांच की तो खाते में महज 11,000 यूनिट दर्ज की गई थी। ऐसे में करीब 40,000 यूनिट की बिजली चोरी केवल अय्यर ओझा के घर पर एसीबी को मिली। इसके अलावा भी विभाग के लगभग सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के घर मीटर या तो बंद मिले या उनसे छेड़छाड़ की गई थी। फिलहाल एसीबी की टीम विद्युत विभाग कार्यालय में दस्तावेजों की जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें, सुबह एसीबी की टीम ने विद्युत विभाग के 4 अधिशासी अभियंता स्तर के अधिकारियों को साथ लेकर 4 टीमें बनाई और एक साथ विद्युत विभाग के कर्मचारियों के घर और विभाग के कार्यालय में छापे की कार्रवाई शुरू की थी। इसी कार्रवाई में यह चौंकाने वाले खुलासे हुए। ये जरी सूत्रों हमें सूचना मिली थी कि यहाँ सूरतगढ़ जो विद्युत निगम का कार्यालय है और यहाँ जो अधिकारी कर्मचारी पदस्थापित हैं, ये इनका दायित्व है कि बिजली चोरी रोकें, लेकिन हमारी जो सूचना थी कि साहब ये खुद स्वयं भी बिजली चोरी में लिप्त हैं, उसमें मीटर में गड़बड़ कर छेड़छाड़ करके भी चोरी कर रहे हैं और जो वास्तविक उपभोग आ रहा है मीटर में उसको दर्ज नहीं कर और बिल ये कम रीडिंग के बनवाते हैं, बिल्कुल कम रीडिंग के बनवाते हैं। तो करीब हमने सूरतगढ़ विद्युत निगम के 10-11 अधिकारी कर्मचारियों के यहाँ आज 4 टीमें बना करके 4 एक्शन साहबान बीकानेर से आए हैं। 4 टीमों ने अलग अलग जगह पर जांचें की है।